13 रोस्टर पॉइंट्स को लेकर आज देश के सभी जगहों से यहाँ पर जंतर मंतर पर लोग उतरे हुए हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी एडवोकेट हैं। सत्य प्रकाश जी एक बात बताइए, आज बिना किसी नोटिस के, विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन के, आज SC ST OBC और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पार्टियाँ यहाँ पर भी आई हुई हैं, जिनकी जबकि पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग यहाँ पर मिलकर और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, तो उसका क्या कारण है विशेष? देखिए, यहाँ जो आज जो ये SC ST OBC माइनॉरिटीज जो इकट्ठे हुए हैं जी, वो सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज नहीं है सुरेंद्र जी, जी सर, जो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं वो लोग भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका संविधानवाद में विश्वास है वो भी आज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी SC ST OBC के लिए यहाँ नहीं आए, जो संविधान के प्रावधान है उनको बचाने के लिए, क्योंकि जब ये शासन में लोगों को भागीदारी नहीं देंगे तो इस भारत में संविधान का कोई मायने नहीं रखता। इसका संकेत क्या जाता है कि मतलब इसका संकेत ये जाता है कि 85 बनाम 15 की जो लड़ाई है, 85% लोग आज यहाँ पर हैं, चाहे RJD हो, चाहे SFI हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे बसपा हो, चाहे यहाँ एडवोकेट की टीम हो, चाहे यहाँ दूसरी यूनियन हो, यहाँ दुनिया भर के लोग, यहाँ कोई मैं कहूँगा कि यहाँ SC ST OBC के लोग नहीं। मुझे लगता है कि 2 अप्रैल भी नज़दीक आ रही है और जिस तरीके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये लगता है 2 अप्रैल को फिर दोबारा क्या बड़ा हो सकता है? बिल्कुल बड़ा होगा, 2 अप्रैल में सत्ता परिवर्तन होगा, 2 अप्रैल के अंदर कोई बंद नहीं होगा, सब बैलेट और EVM से अपनी सरकार लाएंगे, बहन जी को PM बनाएंगे। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भी